G4S सिक्योरिटी गार्ड और SIS सिक्योरिटी गार्ड जिसमें हम कंपेयर करेंगे, उसमें आपको बता दूँ जो सैलरी किसका बेस्ट है, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या अंतर है दोनों में, फैसिलिटी बोले तो A to Z हम कैप्चर करने वाले हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना किस में कितना फीस लगते हैं, ये सब मेरे को कमेंट कई रोज से आते थे जिस पे मैं वीडियो बनाने के लिए मेरे को बोलते थे दोस्तों और कई सारे लड़के सब ऑल इंडिया से। तो हमारे पास ये मैं तैयारी करके रेडी कर लिया हूँ जो किस में ज्वाइनिंग फीस कितना लगेंगे, SIS वर्सेस G4S फैसिलिटी A to Z हम कैप्चर करने वाले हैं। आप खुद समझ जाएंगे किस में हमें ज्वाइन होना है, कौन सा बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपको जॉब का तलाश है तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया में मल्टीपल वैकेंसी आते रहते हैं, मल्टीपल जॉब आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार, मैं आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन सुबह को 10 बजे देते हैं। जैसे कि बता दूँ आपको SIS G4S इंडिया का नंबर वन सिक्योरिटी है, इसमें से आपको किस में जॉब लेना है बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हम आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे क्योंकि हम आपको इसमें से कम 8 से 10 ऐसे पॉइंट लेकर के आए हैं जो आप हम दोनों उसके दोनों सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे तो आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं दोनों सिक्योरिटी में भर्ती कराता हूँ। लगभग 1200 समथिंग हो गया है जो मैं भर्ती कराया हूँ लड़के। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने में दोनों सिक्योरिटी का जो है लोगों के सामने मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग प्रोसेस से। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ SIS सिक्योरिटी का अगर बात किया जाए जिसमें मैं अभी प्रेजेंट में ड्यूटी भी कर रहा हूँ, भर्ती तो मैं दोनों में कराता हूँ, प्रचार में और सिक्योरिटी का करता हूँ ऑल इंडिया। SIS की बात करूँ तो ज्वाइनिंग प्रोसेस इसमें दो तरह से होता है, एक हो गया ट्रेनिंग सेंटर से जहाँ से आपको 10 से 12 हज़ार रुपये फीस अभी प्रेजेंट में ले रहे हैं, 1 महीना ट्रेनिंग कराया जाएगा उसके बाद आपको ड्यूटी दे दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्ट ऑफिस बोले तो ब्रांच से, जिसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं भी है फ्रेशर को भी ले लेते हैं, उसमें आपको मिनिमम 6,500 रुपया पे करना पड़ेगा ऑफिस से ज्वाइनिंग करने में, जो कि 2 से 3 दिन में आपको ड्यूटी मिल जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, बोले तो 25 दिन तक का ट्रेनिंग होगा, खाने पीने के लिए देगा 10,000 में ही। ये हो गया SIS का ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसमें मैं क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो 10वीं पास मिनिमम है, 168 सेंटीमीटर हाइट कंपल्सरी है। उसके बाद दोस्तों बता दूँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक, ये सब आपको SIS का ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको लगेंगे। उसके बाद में फ़ोटो तो चलो पासपोर्ट नॉर्मल है, ये आपको हम SIS का दो ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दिया, जो एक ऑफिस से ब्रांच से होता है, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर से। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट किसका, तो G4S का। G4S में भर्ती करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको हाइट ये 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस इसमें ओनली वन एक ही है, कहाँ से, ट्रेनिंग सेंटर से, इसमें आप ब्रांच से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं G4S में आपको हम 1200 लड़के में से लगभग 500 को तो मैं G4S में ही लगाया हूँ, बाकी SIS सिक्योरिटीज नॉर्मल बाकी सिक्योरिटी में लगाया हूँ, जिसमें से आपको ट्रेनिंग सेंटर का प्रोसेस हर महीने चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो अभी के टाइम में प्रजेंट में आपको 1 हफ्ता फ्रेशर को ट्रेनिंग देना होता है G4S में और एक्सपीरियंस वाले को 3 डेज का। तो उसमें फीस कितना लेते हैं, तो G4S का अगर फीस की बात करें तो अभी गुड़गांव में हर जगह अलग अलग लोकेशन पे फीस लिया जाता है, जो कि टोटल 5500 रुपया होता है, जिसमें से आपको प्रजेंट में कहीं पे 2600 रुपया लेता है, कहीं पे 3800 लेता है। जैसे कि अभी गुड़गांव का बात करूँ, यहाँ पे 3800 लिया जाता है, बड़ोदरा, हैदराबाद, ये सब जगह पर 3800 लिया जाता है, और बाकी कोलकाता और उसके बाद नोएडा, ये सब जगह पर मैं आपको 2600 में ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ। ये हो गया, जो कि आपको यूनिफॉर्म G4S में यूनिफॉर्म 2 सेट देंगे, जिसका 5500 रुपया टोटल होता है, लेकिन यूनिफॉर्म का जो 2000 से 2500 रुपया 1 साल ड्यूटी करने के बाद आपको रिटर्न दे दिया जाएगा, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है G4S वाले का। उसके बाद जो है उसी 1 हफ्ता जो रखेगा रूम पे और फिर ट्रेनिंग दिलाएगा, तो ट्रेनिंग में खाने का रहने का व्यवस्था G4S करवाएगा, उतना ही 3800 में ही करवाएगा, और जैसे जिस तरह से SIS करवाते हैं। उसके बाद SIS का मैं यूनिफॉर्म के बारे में दोस्तों भूल गया, 2 सेट, उसमें भी यूनिफॉर्म, जूते, कैप वैप सारे चीज़ दिया जाता है, जो आपको 6500 रुपया ऑफिस से लेते हैं ब्रांच से, और
ट्रेनिंग सेंटर का बात किया जाए तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको कितना लिया जाता है, 10 से 12 हज़ार रुपया, तो ये फीस आपको लिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया दोनों का, अब मैं बात करता हूँ इसका ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी जो रहता है लड़के का सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, 8 घंटे 12 घंटे दो ही ड्यूटी चलता है दोनों सिक्योरिटी में, जिसमें दोनों सिक्योरिटी में ड्यूटी का बात किया जाए तो 8 घंटे 12 घंटे का नॉर्मल सैलरी आपको 12,000 से 16,000 तक मिलते हैं, कहीं कहीं 20,000 21,000 भी मिलते हैं, 1 से 2% G4S में भी और SIS में भी, ये दोनों का सिस्टम है। और उसके ड्यूटी के बाद में 8 घंटे और 12 घंटे के रहते हैं ड्यूटी, और 12 घंटे की बात किया जाए तो SIS में भी और G4S में भी 18,000 से 22,000 24,000 26,000 रुपये तक सैलरी मिलता है, लेकिन नॉर्मल 18 से 20,000 रुपये रहेगा दोनों में 12 घंटे का। अब मैं ये ड्यूटी के पॉइंट पे आ गया हूँ, सैलरी भी आपको नॉर्मल बता दिया हूँ। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि अगर आप 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो आपको SIS में और G4S में छुट्टी कोई भी नहीं दिया जाता है SIS में, लेकिन G4S में छुट्टी दिया जाता है। ये बात मैं कई बार वीडियो में बोला हूँ, जो G4S यहाँ पे पॉइंट जाता है किसको, तो G4S को। CLPL जो कैजुअल लीव इमरजेंसी लीव होते हैं महीने का, आपको महीने में 4 छुट्टी कंपलसरी है G4S में, जो कि SIS में ये नहीं फैसिलिटी रहता है। और ये पॉइंट मैं G4S को बता देना चाहूँगा, आपको 4 छुट्टी मिलेंगे प्लस CLPL मिलेंगे 2, जो इमरजेंसी लीव होता है कैजुअल लीव करके दिया जाता है, वो आपको 6 महीने 1 साल में काउंट करके रिटर्न कर दिया जाता है। उसके बाद में बात करूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, जो SIS के कैजुअल लीव CLPL मिलता है कि नहीं, इसमें दोस्तों नहीं मिलता। आपको जो बेसिक सैलरी दिया जाएगा 18 से 20,000, वो 30 के 30 ड्यूटी करना पड़ेगा और आपको फिर जा करके वो फुल पेमेंट आएगा। अगर आप इमरजेंसी 2 लीव ले सकते हैं G4S में और SIS में 1 भी लीव नहीं ले सकते हैं, अगर लीव लेते हैं तो आपको वो पैसे काट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ये पॉइंट हो जाता है G4S का, और ट्रेनिंग की अगर बात करें ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस देखा तो G4S के तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये 7 दिन में ट्रेनिंग दे करके कम से कम फीस में दे दिया जाता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बोनस का। हर कोई लड़के परेशान रहते हैं जो अरे सिक्योरिटी गार्ड में अगर जॉब करते हैं तो साल में दिवाली में बोनस दिया जाता है बहुत सिक्योरिटी में, हमारे सिक्योरिटी में दिया ही नहीं जाता। अगर हम बात करते हैं G4S का, तो जितना आपका 1 साल के ड्यूटी के हिसाब से जितना आपका ड्यूटी बनता है उस हिसाब से आपको जितना सैलरी रहेंगे उतना आपको बोनस देगा कौन, G4S दिवाली के टाइम में। अब मैं बात करता हूँ SIS में, जो कि SIS में बिल्कुल नहीं दिया जाता है बोनस, ये इसमें भी बताना चाहूँगा। G4S में इसलिए बोनस दिया जाता है कि ये पहले ही SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पहले ही उससे बात डील कर लिया जाता है क्लाइंट के द्वारा, और SIS में ऐसा नहीं है। SIS में बोनस के नाम पे हर मंथ आपको 400 से 500 रुपये दिया जाता है, जो कि G4S नहीं देता है, लेकिन सैलरी तो G4S SIS के बराबर ही रहता है। तो ये पॉइंट भी जाता है G4S को, जो कि SIS में बोनस का सिस्टम नहीं है, हर महीने आपको बोनस देखने को मिलेगा सैलरी स्लिप में, पर इसमें जो है सैलरी वही नॉर्मल रहेगा, जो आपको 18,000 मिलेगा तो 18,000 ही मिलेगा, जो कि G4S भी 17,000 अगर देते हैं तो 4 छुट्टी देंगे 12 घंटे में, CLPL देंगे फिर भी बोनस भी देगा, तो ये पॉइंट आपको G4S देता है। तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं किसी को नहीं बोल सकता ये गलत है ये अच्छा है, आप नॉर्मल है जो आप समझ सकते हो कौन सा बेस्ट हो सकता है। लंबा फ्यूचर आपको G4S बेस्ट देता है, जो कि आपको PF और पेंशन का सुविधा देखा जाए तो G4S और SIS ये दोनों सिस्टम जो है PF और पेंशन का दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ G4S का, जो कि इम्पोर्टेंट यही रहता है, जो बोनस के साथ साथ आपको 1 साल में 45 दिन का लीव दिया जाता है। अब बोलोगे 45 दिन का, 42 से 45 दिन है ये कौन सा लीव है, तो अगर ये 45 दिन का आप अगर छुट्टी लेते हैं तो आपको वो सैलरी दिया जाएगा, कहीं एक साइड पर अगर परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं तो। SIS में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको ड्यूटी करोगे तो पैसे मिलेगा, ड्यूटी नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, जो ये पॉइंट मैं SIS को देना चाहूँगा। अगर आप ड्यूटी करते हैं बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई मुंबई, आप जाना चाहते हैं कहाँ दिल्ली, तो आपके पास अगर ID कार्ड है SIS वाले
तो अपने प्रजेंट वाले फील्ड ऑफिसर को बताना होगा जी सर हम जा रहे हैं दिल्ली, जो मुंबई में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप दिल्ली ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वो इजी तरीका से हो जाता है। आपके फील्ड ऑफिसर अगर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ओके डन, तो आपको SIG4S वाला सॉरी SIS में जो है प्रजेंट फील्ड ऑफिसर जो रहेगा वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो दिल्ली वाला फील्ड ऑफिसर ट्रांसफ़र जैसे करेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप दिल्ली आ करके ईजिली उसी कार्ड पे आप ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन SIG4S में ऐसा नहीं है, ऐसे रूल है लेकिन वो फॉलो नहीं करता है। वो SOP में दिया गया है ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन किसी का भी नहीं करता है, वो रूल बना रखा है जो अगर हैदराबाद में कर रहा है उसको वहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, चाहे आप रिजाइन दे दो फिर आकर के दिल्ली में ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बहुत सारे लड़के को हैदराबाद बेंगलोर से आया है तो मैं उसको ज्वाइन करवाया हूँ, वहाँ पे G4S में रिजाइन दिया फिर आकर के यहाँ पे क्या। लेकिन EPF नंबर सेम ही रहता है, पेंशन PF जो 10 साल के बाद सबको मिलता है, ग्रेजुटी जो कि 5 साल के बाद दोनों सिक्योरिटी G4S और SIS दोनों सिक्योरिटी देते हैं। तो देखा जाए तो हम इसमें सबसे अच्छा यही रहेगा जो लड़के सैलरी लगभग सेम ही रहता है, लेकिन हम अगर सलाह हमारा मानो तो आपको G4S में ही ज्वाइन लेना चाहिए। आप इसमें लंबा फ्यूचर है, CLPR दिया जाता है, लेकिन SIS में सिर्फ ड्यूटी दिया जाएगा, अगर ड्यूटी आप छोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। और एक और SIS में प्लस पॉइंट है, अगर आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं ब्रांच से तो 2 से 3 दिन में ID कार्ड दे देगा, कौन सा डिजिटल वाला, लेकिन G4S में ऐसा नहीं दिया जाता है। G4S में अगर G4S में ड्यूटी करते हैं ज्वाइनिंग करते हैं तो पहले 1 साल के लिए टेम्पररी ID कार्ड बना करके दिया जाएगा, क्लॉक नंबर ID नंबर के साथ लिख करके हाथ से, 1 साल अगर परमानेंट कर लेते हैं तब जाकर के आपको डिजिटल वाला बनेगा। तो ये पॉइंट जाता है SIS को। तो SIS रोजगार मेला हर स्टेट में लगाते हैं और हर स्टेट से लड़के को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, जो कि सुपरवाइजर को भी डायरेक्ट भर्ती करवाता है ट्रेनिंग सेंटर से, जो कि 40,000 से 42,000 रुपया फीस लेते हैं 2 महीने का ट्रेनिंग करवाते हैं। ये पॉइंट हमने देखा जाए तो SIS को जाना चाहिए, फीस भले ही ज़्यादा लेते हैं लेकिन डायरेक्ट सुपरवाइजर को भर्ती कराया जाता है। अगर पढ़े लिखे हो आप तो आप G4S में ही SIS में ही सुपरवाइजर डायरेक्ट बनो ताकि आपको ज़्यादा सैलरी मिल सके। दोस्तों अगर बाकी आपको जॉब चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म है वहाँ अप्लाई कीजिए और सीधा मेरे पास आइए, गुड़गांव नोएडा बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद कोलकाता गुजरात ये सब जगह पे मैं इजीली लगा सकता हूँ, जो कि मैं 1200 लड़कियों को अभी तक मैं लगा चुका हूँ। तो हम जो भी G4S और SIS सिक्योरिटी के बारे में बताए तो समझने वाले जो लड़के हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कहाँ पे किस में कितना फैसिलिटी है। अब नेक्स्ट बात आता है रहना खाना किस में दिया जाता है। तो दोस्तों रहना खाना कोई सिक्योरिटी नहीं देता है, अगर कोई होटल में SIS सिक्योरिटी का हो या G4S का सिक्योरिटी का हो, SIS में भी अगर होटल में सिक्योरिटी लगा है तो आपको अगर खाने का सुविधा दिया जाएगा तो वहीं सिर्फ खाने की सुविधा दिया जाएगा, क्योंकि कोई सुविधा नहीं करता है। G4S में भी अगर कोई रेस्टोरेंट मान लो कोई होटल में अगर ड्यूटी लगता है तो वहाँ पे भी आपको खाने का सुविधा दिया जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं दिया जाएगा और जो कंपनी पे डिपेंड करता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ रहने के लिए रूम कौन देता है, तो रूम दोस्तों कोई नहीं देता है दोनों में से, सिर्फ SIS में ये प्लस पॉइंट है, जो नए अगर सेट बड़ा 50,000 से प्लस अगर लग जाए तो वो बैरक ले लिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर वाले लड़के को बुलाते हैं और वहाँ पे रखते हैं और महीने के 1,000 रुपया से 1,500 रुपये तक जितना भी आपको गुना भाग कर लेता है हर लड़के पे, तो जितना 1,000-1,500 पड़ता है तो उतना रुपया काट लिया जाता है। ये फैसिलिटी SIS में दिया है जो बेस्ट है, मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था तो ये फैसिलिटी दिया था बैरक में रहने के लिए। तो ये सब फैसिलिटी है, आप देख लो अगर आपको जो भी जॉब लेना है दोनों में मैं आपको लगा सकता हूँ। फीस बता दिया आपको किस में कितना लगेंगे और बाकी आपका खुद निर्णय कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है। बाकी हमारे पास अगर गूगल फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे 200 रुपये फीस लगेंगे, जो कि पहले मैं फ्री में सबको लगाता था, अभी बहुत 300-400 कॉल आता है तो मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गया और दोस्तों आप दोनों सिक्योरिटी देख सकते हो जो कौन सा बेस्ट है, और बाकी हम अपना नंबर भी दे देंगे, जो गूगल फॉर्म भरेंगे उसका खुद नंबर हमारा आ जाएगा उसके ऊपर। तो यही है हमारे प्रोसेस, बाकी मुंबई में बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, मुंबई में कितना सैलरी है, कितने बचा सकते हो, कितने कमा सकते हो, कौन सा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहिए मुंबई में, तो यही प्रोसेस है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। फिलहाल जय हिंद जय भारत।